हेलो दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। तो विवेक वगैरह खाना पीना खा के जा चुके हैं और मैं लगूंगी अपने काम में फटाफट। आज भी मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं, बेडशीट धोना है क्योंकि बेडशीट गंदे हो गए हैं। तो एक बेडशीट कम से कम धो लो ताकि चेंज हो, क्योंकि गर्मी में ना बेडशीट जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर ना वो किचकिच होने लगता है तो मन नहीं करता है। तो एक तो बेडशीट में धोऊंगी, बाकी कपड़े तो डेली धुल ही रहे हैं क्योंकि गर्मी में आजकल डेली धुलते ही हैं। तो ये सब काम करूंगी, फिर उसके बाद मैं लूंगी बढ़िया वाली नींद, फिर उठूंगी डायरेक्ट शाम को, क्योंकि राधा में सो ही नहीं हूँ पूरा। मैं राधा काम करी थी तो काम में बिजी थी, तो मैं निपटा निपटा के मिलती हूँ सीधे आपको सामने। ये वाटरमेलन कौन खाएगा कुकी? ये वाटरमेलन कौन खाएगा? ये कुकी खाएगी? कुकी खाएगी? हाँ कुकी खाएगी, कुकी खाएगी। चलो आ जाओ देते हैं, आ जाओ। हाँ देते हैं। तो मैं दिखा दूं कि ये है मेरा वाटरमेलन। आज मैं वाटरमेलन का ड्रिंक बना के उनको दूंगी। ये कहते हैं कभी बनाना शेक, कभी कुछ, मतलब हेल्दी ड्रिंक, मतलब घर का ड्रिंक हो तो अच्छा रहता है और गर्मी रहता है ना, तो जब आते हैं कभी नींबू पानी कुछ ना हो तो नींबू पानी, और कभी बनाना शेक है कुछ ना कुछ, तो मैं ऑरेंज हो तो ऑरेंज जूस, ये वो मैं देती रहती हूँ। क्योंकि वो जब थक के आते हैं ना तो उनको प्यास लगती है, और पानी पीने से तो प्यास बुझती है, लेकिन कुछ हेल्दी ड्रिंक मिल जाता है तो एक एनर्जी फील हो जाती है। तो मैं फटाफट बना के इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि उनके आने से पहले ठंडा हो जाए। तो बना बिना देर की मैं फटाफट बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मेरा वाटरमेलन का जूस बन चुका है, तो मैं थोड़ा सा ना टेस्ट कर लूँ। बढ़िया वाला बना है, तो फटाफट से, अभी टाइम भी हो चुका, आधे घंटे का टाइम बचा है, तो मैं इसे रख देती हूँ। आधे घंटे में कोशिश करती हूँ जैसे अच्छा ठंडा हो जाए। मैं फटाक से बिना देरी की उसको फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ। तो मैंने फ्रिज पे अपना वही वाटरमेलन जूस डाल दिया है ताकि आधे घंटे के अंदर वो ठंडा हो जाए। और बगल में मैंने खाना भी चढ़ा दिया, मैं दिखा दूँ। ये हो रही है सेमी और आलू की भुर्जी फ्राई हो रही है। ये चावल चढ़ गया है, ये दाल बन गया है जिसको तड़का लगाना है, और ये सब्जी है। ये सबको, ये मेरे कुकी का सब्जी है जो कि मैंने दे दिया है, इतना बच गया है, कल दूंगी। तो मेरा खाने की भी तैयारी चल रही है, मेरा ड्रिंक ठंडा होने के लिए रह गया है, और फटाफट भी बेडशीट। अरे तेरी सीटी कैसे आ गया? अरे यार तेज था, मैंने गैस को तेज छोड़ दिया था क्या? तेरी सीटी आने लग गया, मैं सोचा अभी जस्ट मैंने चढ़ाया है चावल की सीटी तेल ही मार दी। और मैंने जो कपड़े पड़े धोए थे, मैंने बेडशीट भी आज धोया था, तो उसको चेंज कर रहा था क्योंकि गर्मी है ना तो बेकार लगता है, और कुछ दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो धूल सा हो गया। तो मुझे भी सारा बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, तो फटाफट अभी बेडशीट चेंज करूँगी। और विवेक के आने से पहले ड्रिंक ठंडा हो जाए तो और मज़ा आ जाए। और मैं बता दूँ कि अभी जब से गर्मी आई है ना, तब से लगता है मुझे कि हम दोनों की ना लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दिमाग हम दोनों का गर्म रहता है। गर्मी के कारण ना दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, वो भी गर्म गर्म होके आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब पति ना गर्म गर्म होके आए ना, तो उनके मुँह में ठंडा ठंडा जूस दे दो, ताकि वो जब ठंडे हो जाए, चिल हो जाए, फिर अपनी मनमानी यू मनवा लो। तो वही मैंने दिमाग लगाया है, इसलिए मैं ठंडा ठंडा करके कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा ज़्यादा ठंडा हो, और ठंडा उनके मुँह पे मारो और उनका दिमाग ठंडा करो और अपनी मर्जी चलाओ। ये टेक्निक अच्छी लगी तो आप भी फॉलो करिए। तो मिलती हूँ अपने पति के साथ। तो मेरे पति देव जी तो आ चुके हैं, और आए तो आपको हाय भी नहीं करवाती हूँ, हाय करिए, है ना। कल ही मैंने सो देखा कि मतलब आप सीधे नॉर्मल चल रहा है, आपको इंट्रोडक्शन करके आपका हाय भी नहीं हुआ या हाय नहीं करवाया। अच्छा लग रहा हो तो जब आता हूं तो नहीं, उसे अच्छा लगने से क्या मतलब, हाय हाय होता है। अच्छा अच्छा गंदा क्या होता है ये। तो आप जाइए फटाफट, आप हाथ मत धोइए, मैं आपके लिए मस्त ड्रिंक। मैंने भी आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया है। क्या लाया है? सामान तो वैसे ये लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं ये, क्योंकि कल संडे है ना, तो बढ़िया ये कुरकुरे वगैरह का पैकेट है, ये ब्रेड है, जैसे नहीं रात को मन करे चाय कुरकुरे। तुम्हारा जैसा नहीं कि आलू परवल की सब्जी बना के खिलाओ। नहीं संडे था तो मैंने सोचा कि रात में एंजॉय करेंगे, जगेंगे, टीवी देखेंगे, तो मस्त आराम से कुरकुरे, तुमको पसंद आता तो चाय कुरकुरे, मेरे को भी पसंद आता है, एंजॉय करेंगे दोनों। और ब्रेड भी लिया था, सैंडविच सैंडविच में सरप्राइज दिखाते हैं पेटू का। क्या है सरप्राइज? क्या है? क्या है? ओ आइसक्रीम। वो भी कौन सा? मैंगो। मैंगो। इसका नाम क्या पता है? क्या है?
सचमुच आम फिर क्रीम मिलता है, अच्छा है, मजा आएगा। फिर मजा आएगा खाना खाने के बाद, आइसक्रीम खाने का मजा आएगा। तो अभी मैं मस्त आपको चिल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। अच्छा, मैं फट से वो हाथ थोड़ा फ्रेश होइए, थोड़ा ना हाथ मत धोइए, फिर मैं आपको करती हूँ पिलाती हूँ चिल्ड वो। तो मैं कुछ बोलने वाली थी यार, कुछ और मिस करवा दिया क्या? हाँ शायद कुछ बोलने वाली थी मेरे को। तो चलिए जैसा होता फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो भूल गई हूँ, तो अचानक से मुझे याद आया, मुझे ये अच्छा मैं ये बोलने वाली थी कि अब नवरात्रि भी शुरू हो गई है ना, तो अब हम लोग चिकन विकन खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, तो अभी इसलिए वेज वेज खाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश किया है कि वेजिटेरियन में तड़का धड़का कुछ ऐसा खिलाऊं, क्योंकि नॉन वेज तो खा नहीं सकते हैं जब तक नवरात्रि है ना। तो क्या बनाई क्या आज? वही मतलब दो दो तीन आइटम ऐसे कोशिश किया है बनाने का, ताकि आपको भी ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ दाल दाल खा रहे हैं या सिर्फ एक सब्जी खा रहे हैं। तो मिक्सअप करके वैसे भी हम लोग वेज भी खाते हैं तो कोई खराब नहीं खाते हैं, खराब नहीं खाते। खराब किसने बोला? तो मैं बोली कि एक चीज नहीं बनाया, तो ऐसा बनाया है ताकि आपको लगे कि अच्छा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब ऐसे वो ऐसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया, सिर्फ दाल ही बनाया। दो तीन आइटम होते हैं तो स्पेशल। हाँ, मतलब ऐसा अब तक सिंपल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी गर्मी में क्या खाए समझ नहीं आता, कुछ मार्केट में सब्जी नहीं दिखती है, मंडी जाना पड़ेगा तो दूर सब्जी लेने, तो प्लान बनाते हैं जा ही नहीं पाते हैं। तो सामने सामने सिर्फ बैगन मिलेगा, तो वही सिर्फ गोभी मिलेगा, इसके अलावा कोई सब्जी मिलता ही नहीं है ठेले पे। नीचे बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन मजेदार नहीं, मजा नहीं आता, सूखा। हाँ, उसके लिए मेन मंडी जाना पड़ेगा, तो वही डेली सोचते हैं लेकिन जाना हो नहीं पाता। हाँ, तो कोई बात नहीं, फ्रेश होइए, मैं आपको ड्रिंक देती हूँ आपको, ठीक है ना? क्या हो गया? एक झटकी में रख के भी आ गए अपना सामान। ये तो रेस्टोरेंट का लग रहा है ना, ये देखिए आप, ये तो रेस्टोरेंट टाइप का लग रहा है, ऐसा सजावट है इसका। रेस्टोरेंट का नहीं, ये डार्लिंग आपकी बीबी का प्यार है जो आपको इतने अच्छे तरीके से बना के दे रहा, ताकि आप ठंडा ठंडा हो जाए दिमाग से। तो ये देख के ही मतलब पीने का मन नहीं कर रहा है, तो सजा के रख दे, नहीं सजा के रख दे। पीजी पीजी पी के बताइए, छोटा सा छाता और एक छोटा सा पाइप, इसका रेट कम से कम 2000 रुपया। जी हाँ, तो 2000 आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना? थैंक यू, मैं ले लूंगी बाद में। चलिए पी के बताइए, 2000 का ड्रिंक बताओ, देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, रख लो आप। नहीं नहीं ठीक है, 3000 ले लूंगी। चलिए चलिए पी के बताइए, कैसन बा? रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग, मैं इसलिए डार्लिंग में बना के रख रही थी ताकि मजा आ गया, मजा आ जाए थोड़ा। आजकल गर्मी में गरम गरम होके आ रहे थे, अब दोनों हम लोग लड़ मर रहे थे, तो मैं सोची क्या करूं, अपने पति को कैसे ठंडा रखूं, क्या करूं, उनका दिमाग ठंडा करूं। तुम ज्यादा गुस्सा हो रही थी, मैंने अरे भाई आप गुस्सा हो रहे थे तो मैं भी गुस्सा हो रही थी, अभी मेरे पे आके अनबन तरीके से बात कर रही थी। उल्टा नहीं बोलो, तुम गुस्सा हो रही थी तो मैं गुस्सा हो रहा था, फिर नहीं लड़ाई हो जाएगी। हां फिर लड़ाई हो जाएगी, सच है ना? मैं ठंडा कर रही हूं, ठंडा होइए और बस मजे करिए, ठीक है ना? तो फिर खाना कब तक खाएंगे रानी? मैं तो आधे घंटे में खाऊंगा। ठीक है ठीक है, उसका खाना सारा रेडी है, बस दाल का तड़का लगाना है मुझे। दोपहर का खाना सही से हो नहीं पाता है। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है आप पीजिए, फिर मैं दाल का बस तड़का लगाना है तो लगाऊंगी, फिर हम लोग खाना ना खाएंगे अभी, थोड़ा सा वो भी थोड़ा पी के थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब तक मैं दाल का तड़का वड़का वाला काम कम्प्लीट कर देती हूँ। तो खाना लग गया है, मैं दिखा दूँ, 11:30 बजने वाले हैं, 11:30 सॉरी 11:30 से ऊपर हो गए हैं। सोचे थे वो ड्रिंक पी के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे, लेकिन रिलैक्स घंटों भर कर लिए, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक था कि सोचे कि थोड़ा सा देर रुक के ही खाते हैं।
तो मैंने आज थोड़ा खाना बनाया है। बनाया है? हाँ। तो निकालने वाला कौन लेके आएगा? अरे यार हमेशा भूल जाती हूँ निकालने वाला मैं। काम करते हैं ना, पहले चावल खा लेते हैं। आओ तो बताओ। मैं भूल ही जाती हूँ मैं। और इससे ही मैंने चावल निकाल लिया, जिसे सब्जी निकालते थे चावल निकाल लिया। चावल खा लेते हैं। हाँ। फिर बाद में दाल पी लेंगे, फिर सब्जी खा लेंगे। तो उसमें ये होगा कि पेट में सबको मिल ही जाना है। अपना बढ़िया आइडिया अपने पास रखिए और फटाक से कोई एक डिश टेस्ट करके बताइए, जनता तक पहुंचाइए कुछ मेरी खूबियों का राज। अरे अब उसकी खूबियों का राज कौन बताएगा? कुकी के देखो सुनो। देखो क्या बेटा, अभी अभी खाई है ये भरपेट। इसका ड्रामा शुरू रहता है। नहीं देखेंगे हम इसके बाद। कैसा? बहुत बाहियात। मेरे खाने की तारीफ सिर्फ कुकी करती है। नहीं, बहुत शानदार खाना बनाया, बहुत मजा। तीन चार आइटम है तो मुझे तो ऐसे ही मजा आता है तीन चार आइटम खा के। मस्त एंजॉय करते हैं। दाल चावल। अरे बता दो, ये मैंने काली दाल बनाई हुई। काली दाल, दाल मखनी बोलो। हाँ ये दाल मखनी है, बढ़िया मस्त बनाई हूँ, आप एंजॉय करिए। तो दोस्तों हम लोग खाना ना खाते हैं, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बापरे मेरा हाथ दर्द होने लगा। ताकि मेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो आ रहा है आइसक्रीम। तो भूल ही गए थे पूरी तरीके से। आप भूल ही गए थे खाना पीना खा के, क्या हुआ? ओ वाह, ये तो मजेदार सच्ची मुच्ची आम लग रहा है ये। हाँ सच्ची आम। हाँ सही है ये। वाह यार, ये वही वाला ना जैसे कि आम का गूदा वाला आम होता है। गूदा ही होता है। वाओ यार, ये मतलब गर्मी में इसका जो मजा है। और अपने फ्लैट के नीचे मैंने से पूछा, बोला भैया दिन भर कहीं और रहते हैं? हाँ। इवनिंग में यहीं पे, मतलब आप जब आते हैं ना, मतलब नाइट में मैं आता हूँ। ये आम का मजा दे देता है यार। हम लोग ब्लॉगिंग खत्म कर दिए थे, फिर याद है कि अरे यार इसको तो एंजॉय किया, आप लोग शेयर ना करे ऐसे थोड़ी। चेस चेस वाह। अच्छा नया चीज कोई खिलाओ ना। हाँ। तो पहले जज करती है उसको। वाटरमेलन दिए उसको तो पहले आराम से, अब फिर अच्छा लगा तो खच 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 खा गए। तो हम लोग जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आप लोग के आस पास है तो आप भी अटैक करिए, आइसक्रीम खाइए और मजे मारिए। कितने दिनों बाद पूरा ठंड बीत गया, आइसक्रीम नहीं खा पाए। तो हम लोग तो मजे ले रहे हैं, आप भी लीजिए, जाइए।